Hi, I'm Archana Puran Singh, and you're watching the Kapil Sharma Show. So subscribe to Set India and hit the bell icon. अर्चना जी, आज जो मेहमान यहाँ पे आने वाली हैं, हाँ, वो हमारे लिए एक मिसाल हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ 13 साल की उम्र में फिल्म इंडस्ट्री में अपने पैर जमा लिए थे. और फिर सत्यम शिवम सुंदरम, इंसाफ का तराजू, प्रेम रोग, विधाता, वो सात दिन, सौतन, प्यार झुकता नहीं जैसी एक से एक सुपरहिट फिल्में देख के पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में मैं इन्वाइट करना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, एवरग्रीन पद्मिनी कोल्हापुरे जी. पद्मिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. आप पहली बार हमारे शो पे आई. जी बिल्कुल. अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री में आप 13 साल की उम्र में आ गई थी. 7 साल की उम्र. 7 जी. वाओ, आपकी इंफॉर्मेशन फॉर अ चेंज गलत है. फिल्म इंडस्ट्री में आप 7 साल में आ गए, हमारे शो पे इतनी देर से क्यों आई? जब आपने बुलाया हम आ गए. जी, हमें एक्चुअली आपका नंबर नहीं मिल रहा था, हमने बड़ा ट्राई किया. पर देर आए दुरुस्त आए, बड़ी अच्छी लग रही आप. थैंक यू. बहुत बहुत. हमारा भी इस बार वाला सेट सबसे अच्छा है. अच्छा. क्योंकि ये लैंप मैच कर रहा है मेरे ड्रेस से, इसलिए. हाँ, ये देखो आप. बजट देखिए मैम. अर्चना जी भी देखो, पूरा मैच कर रही है. अर्चना जी की हंसी के लिए तो मेरे कान तरस गए. आपके तरस गए, कईयों को तो बहरे हो गए. पद्मिनी जी, वैसे इतनी छोटी उम्र में कैसे ब्रेक मिला आपको? दरअसल मैं प्लेबैक सिंगर बनना चाह रही थी. अच्छा जी. क्योंकि हमारा खानदान एक्चुअली सिंगर्स का है जी. और उस वक्त मैं बहुत डांस की बड़ी शौकीन थी मैं. अच्छा जी. तो आशा जी आती थी. आशा जी मतलब आशा भोसले मेरी बुआ लगती हैं. अच्छा जी. तो वो घर आती थी और वो मतलब कहती थी कि तुम अभी डांस करके दिखाओ. तो मेरी दादी बहुत उनके पीछे पड़ती थी कि इसको तुम फिल्म में कहीं काम दिला दो, फिल्म में काम दिला दो. और ऐसा हुआ कि इश्क 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 की रिकॉर्डिंग चल रही थी जिसमें मैं गा रही थी कोरस. अच्छा में. और देव अंकल वहाँ आए तो आशा जी ने उनको बोला कि ये इसको तुम कास्ट करो. तो बोले हाँ क्यों, तो अगली फिल्म में क्यों, इसी फिल्म में मैं कास्ट करता हूँ. अच्छा. और उस फिल्म में मुझे उन्होंने ले लिया. वाह वाह. इतनी छोटी एज में जब आप हीरोइन बन गई तो प्रोड्यूसर आपको मतलब हीरोइन का पैसा देते थे कि चाइल्ड आर्टिस्ट का? आपको 16-17 साल की उम्र में मेरे ख्याल से फिल्म तक मिल गया था जी. बहुत बड़ी बात है, इसके लिए तालियां बनती पहले तो. अच्छा मैम, कई बार ऐसा होता है ना कि छोटे भाई बहन को कोई गिफ्ट मिल जाता है तो बड़े भाई बहन अक्सर ले लेते हैं कि तुम्हारे किस काम का. तो आपको किसी बड़े अभिनेता अभिनेत्री ने कहा नहीं बेटा आप तो बहुत छोटे अवार्ड हमें दे दो, ऐसा किसी ने मांगा नहीं आपसे? काफी दिग्गजों के सामने एक्चुअली मैं खड़ी थी तो मुझे. अच्छा. बहुत ही अच्छा लगा और मैं काफी मतलब हम्बल फीलिंग आई मुझे कि मुझे इतने बड़े दिग्गजों के सामने मुझे अवार्ड मिल रहा है. तो आपने क्या बोला था स्टेज पे उस समय जब आपको अवार्ड मिला? मुझे लग रहा है मैंने शायद गाना गाया था उस वक्त. अच्छा. वाह. और राज अंकल शायद ऑडियंस में बैठ के मुझे यू नो वो ताली दे रहे थे, बीट पे ला रहे थे. अच्छा. क्योंकि मैं इतनी नर्वस थी. ऑब्वियसली फिल्म फेयर अवार्ड, सारे दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद सब ऑडियंस में बैठे, तो जाहिर सी बात है ना. अच्छा, वो जाहिर सी बात है, लता जी के रिश्तेदार है, उनके तो पड़ोसी भी इतने सुरीले हैं. तो आज तो फिल्म फेयर भी नहीं है और आप नर्वस भी नहीं है. किसने कहा? अरे आपके मैम कुछ तो एक एक दो लाइनें जो आपका दिल करे. देखिए आपके शो पे मुझे लगता है सभी आते हैं नर्वस होते हैं. क्यों? नहीं नहीं ऐसा कुछ क्योंकि नहीं है. ऐसे लगता है अब क्या पूछेंगे कपिल जी, अब क्या पूछेंगे. ऐसे कई लोग बोल, अब देख लो आप आई गए, हमने देख ही लिया कितने मजेदार बातें होती हैं. एक गाना तो मैम होना चाहिए आपके फैंस के लिए. देखिए कपिल जी, एक्चुअली आपको साथ देना पड़ेगा मेरा. Always. क्योंकि आप इतना अच्छा गाते, इतना अच्छा गाते, तो ये हंसी भी मुझे अच्छी लगती है आपकी जो बीच बीच में आती है ना. Naughty smile. Very naughty also. शर्मीली सी हंसी. जो क्रैक करते हो फिर ये इसका पैतरा है. हाँ. सारे राज खोल दो मेरे.
बता दो मत. ऐसे ही हंसी मजाक में ठीक है, जिंदगी चार दिन की है, क्या करें. हफ्ते में दो एपिसोड है और चार दिन की जिंदगी है. ठीक है, क्या मजेदार गाने हैं ना. कितने सालों साल सुनते जाओ भूलते नहीं. अभी नए गाने बहुत मतलब वो भी अच्छे होते हैं पर कई कई याद नहीं होते एक्चुअली. अच्छा मैम, एक अफवाह थी तो हम सोच रहे थे कि जब आप आएंगे तो आपसे कंफर्म करेंगे. एक फिल्म थी ऐसा प्यार कहाँ, जिसके प्रोड्यूसर थे टूटू शर्मा जी, तो कहते हैं कि उन्होंने आपकी पेमेंट नहीं दी, फिर गुस्से में आपने उनसे शादी कर ली. सही कहा, बिल्कुल सही कहा. ओह रियली, ये कहाँ सुना आपने? ये ऐसी अफवाह सुनी थी हमने. अफवाह नहीं, ये सही बात है. मैंने सोचा चलो शादी ही कर लूं. नहीं, बहुत अच्छी बात. बदला लिया, बदला लिया, बदला लिया. अब वो बदला ले रहे हैं मुझसे. पद्मिनी जी, आप पहली बार आई, आपसे ढेर सारी अभी और भी बातें करनी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक और मेहमान को बुलाने का, जिनका फिल्म इंडस्ट्री के साथ तो नाता है ही, वो आपसे भी उनका बड़ा पुराना नाता है, आपके रिश्तेदार हैं. तो मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में इनवाइट करना चाहूंगा पद्मिनी जी के जीजा जी को, जो कहते हैं कि नंदू सबका बंधु आओ. तो बॉलीवुड के सबसे हैंडसम विलन, द वन एंड ओनली, प्लीज वेलकम मिस्टर शक्ति कपूर. पाजी वेलकम. क्या हैंडसम लग रहे हैं आप. अरे सर, थैंक यू वेरी मच. आइए पाजी, प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए. शक्ति साहब के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. पहली बार ये मौका मिला है कि साली के सामने जीजा बैठा है और कपिल जी तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं, लेकिन जहाँ साली है वहाँ तो कोई और दिखता ही नहीं है सर. इनको देख के मुझे हमेशा एक शेर याद आता है जी, कि बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ. बिना देखे तेरी तस्वीर बना सकता हूँ, बिना मिले तेरा हाल बता सकता हूँ. अरे मेरी मोहब्बत में इतनी ताकत है कि तेरे आंख के आंसू अपनी आंख से निकाल सकते. क्या बात है. एक्चुअली एक मिनट, यही सुना के मेरी बहन को इन्होंने फंसाया. अब मैं समझ गई. एक्चुअली शेर इनको सुनाया था. अच्छा, बाजू में इनकी बहन बैठी थी. समझ उसको आया उस वक्त, मुझे नहीं समझ में आया. ये इंप्रेस नहीं हुई, वो हो गई. इनके लिए एक और शेर था कि इनकी गली के चक्कर काटते काटते कुत्ते हमारे यार बन गए. अच्छा? ये तो हमें मिल ना सकी, हम कुत्तों के सरदार बन गए. वाह. वैसे पद्मिनी जी, शक्ति सर से कब मुलाकात हुई थी आपकी पहली बार? छोटी सी उम्र में. अच्छा जी. जी जी. अरे जब मैं 12 साल का था, इनकी पहली फिल्म देखी थी मैंने. अच्छा. वो देव साहब की कोई फिल्म थी ना, इश्क. इश्क, इश्क. हाँ. तब आप 12 साल के थे. 12 हाँ, साल के. क्यों, मैं तो एक नन्ना सा प्यारा सा छोटा सा बच्चा हूँ. अच्छा, एक फिल्म आई थी 1982 में, स्वामी दादा, जिसमें शक्ति सर और पद्मिनी जी साथ में थे. आप पॉकेट मार का एक रोल निभाया था. हाँ जी. उसी साल मेरे ख्याल से आपकी शादी हो गई थी शिवांगी जी से ना. जी हाँ जी हाँ जी. तो शक्ति सर, आपको पद्मिनी जी ने मिलवाया था कि आप पीछा करते करते घर गए थे? वो शायद पीछा करते करते इनके पास आ गई. अच्छा. really? शक्ति सर, कभी एक्सचेंज पूछा नहीं, कैसे मुलाकात हुई थी आपकी? हमारी भी एक ये प्रेम कहानी है जी. मैं एक फिल्म कर रहा था जिसका नाम था किस्मत. अच्छा जी. उसमें एक रोल था चाइल्ड आर्टिस्ट का, मेरे ख्याल से इनको ऑफर हुआ था, इन्होंने इनके पास डेट नहीं थी या ये बिजी हो गई थी. मिठुन की बहन का रोल. वो छोटी बहन थी ना. एनीवे. तो जैसे वो पिक्चरों में आते हैं ना, बच्चे स्टार को देख के बहुत तंग करते हैं चाइल्ड आर्टिस्ट, मुझे ऑटोग्राफ दो, एक फोटो खिंचाओ. तो ऐसी एक पतली सी लड़की थी जो ऐसा कुछ नहीं कर रही थी, मुझे लगा कि करेगी. हाँ. मैंने देखा बहुत खूबसूरत है यार ये, इसकी आंखें खूबसूरत, ये सब कुछ खूबसूरत. तो मैंने थोड़ी सी हल्की सी लाइन मारी और चला गया. वेयर आई रियलाइज कि वाकई में कसम खाई कि अगर मैं शादी करूंगा तो इस मराठन के साथ ही करूंगा. और हमने गुपचुप करके शादी कर ली.
पेपरों में आ गया कि 3 महीने में इनका तलाक है क्योंकि शक्ति कपूर तो बहुत शरीफ आदमी है. लेकिन उसके बाद मैं दिल की बात बता रहा हूँ कि हमारी शादी होगी, मेरा बेटा हो गया. मेरे ससुर जी ने मुझे आके बोला कि तुम्हारे जैसा जवाई मैंने कहीं नहीं देखा. आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू माय सन. रियलिटी है. एक बात और याद आई, मेरे पिताजी आए बॉम्बे. अच्छा जी. सिकंदर लाल कपूर. तो मैं उनको लेके गया टूटू शर्मा के घर, मेरे सांडू के घर. जी. तो मैंने कहा यार उनका घर बड़ा खूबसूरत है, टॉप फ्लोर पे था. अच्छा जी. टेरेस थी. मैं इनको दिखाता हूँ, मिलाता हूँ कि पद्मनी जी का हस्बैंड को देखिए. अच्छा जी. और घर भी देखिए. तो उनको ऊपर लेके आया, वो बैठ के देख रहे हैं टूटू को. मुझे शील बुलाते हैं, सुनील से शील. कहते शील दोनों पहना बड़ी तेज है कि हाँ. अच्छा. बड़े सोने सोने मुंडे फंसा ले. आज तक मैं बीबी से बोलता हूँ कि देखो मेरा लेवल अभी भी पंजाबी है. बोले यहाँ हूँ, महाराष्ट्र में हो तुम. एक आवाज निकालूंगी तुमको पंजाबी वापिस जाने को नहीं मिलेगा. तो मैं बोलता हूँ जय महाराष्ट्र. पद्मिनी जी, जब घर पे गेट टुगेदर होती है फैमिली की, आप सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ शक्ति सर बोलते हैं? सिर्फ ये बोलते हैं. अच्छा. और वो भी फ्री में. चार्ज नहीं करते. अच्छा, पहले क्या होता था जी, मेरे ससुर जी थोड़े बोर हो रहे होते थे ना, तो ऊपर आ जाते थे कि शक्ति कहाँ है. है ऊपर है. अच्छा. तो आधा घंटा आके बैठते, तो आधा घंटा हंसते हंसते चले जाते थे. अच्छा. नीचे ही रहते हैं ना, 7 महल से नीचे बंगले तक पहुंच गए. मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो अभी तक हंस रहे. लेकिन शादी के बाद तो मामला गड़बड़ी हो जाता है ना. आजकल बारिश आ रही है, जिनकी शादी नहीं होगी वो अच्छे अच्छे सपने देख रहे हैं. जो कपल्स हैं वो आपस में डेटिंग कर रहे हैं. लेकिन हम शादीशुदा आदमी क्या कर रहे हैं, रात को बाल्टी लेके पानी निकाल रहे हैं. और उसके बाद बीवी से पूछते हैं ये पोछा कहाँ सूखने को डालू. बिट्टू भी ऐसे ही करता होगा ना. तो उसको तो शादी के 4 साल बाद नहीं, वो तो 4 महीने बाद ही बाल्टी ऐसे करने लगा था. दो दो बंगले हैं बाजू में. इसको कम नहीं सोचना. अर्चना एंड आई गो वे बैक वे बैक वे बैक. हमने गाना भी किया था, पिक्चर का नाम अग्निपथ थी. अग्निपथ. ओए होए हो, ये तो अभी भी पटाखा है उस टाइम तो. But I have to say one more thing, Shakti. My experience with you, Shakti, I've known you for pata nahi kitne decades. He is one of the most decent and sharif bandas in this industry. I really am saying it from the heart. Truly. Maine isko bola ghar ja ke aapki behan ko bol dena yaar. आप कब मिले दर्शना मैम एक दूसरे से पहली बार? पता नहीं, आई थिंक 20-30 साल हो गए यार. वो इनडायरेक्ट मैंने भी लाइन मारी थी, पर इनका हाथ बहुत तगड़ा है. कभी हाथ मिला के देख लो, ऐसे लगता है 6 पठान के हाथ एक हाथ में है. तो इनसे कोई पंगा नहीं ले सकता, नहीं ले सकता. हैट्स ऑफ टू बिट्टू. बाकी अर्चना जी आप हैं, मतलब अच्छी अच्छी लगती हैं स्क्रीन पे प्रेजेंस. आजकल हीरोइन बड़ी दुबली पतली आ रही हैं. वैसा हो गया ये ना, बोल रहे हैं कि आपका वेट जाना है. हाँ. अगर मैं आपको कल साथ लेकर हैदराबाद जाऊं, 15 फिल्में साइन करा दूंगा एज ए हीरोइन. उधर यही साइज चलता है. जब मैं पतली थी younger days में, तो वहाँ के जो producers थे, they said, madam, everything nice, work very nice, but this collar bone showing, bone, थोड़ा मास होना मांगता इधर से. अच्छा. मैंने बोला यार यहाँ बॉम्बे में यही चलता है. नहीं नहीं इधर नहीं, थोड़ा सा healthy.
सुना कि आपके पापा जो हैं उनके कपड़ों की दुकान थी जी। तो जब आपने फिल्मों में काम शुरू किया उन्होंने कहा ना कि हम बेटा कपड़े पहनाते हैं आप उतार रहे हो लोगों के उनका क्या रिएक्शन था शक्ति सर? मुझे एक किस्सा याद आ गया। मेरे पिताजी मेरी मम्मी को लेके पिक्चर देखने गए जिसके अंदर शक्ति कपूर था। राजकुमार कोहली की फिल्म थी। बाऊ सिकंदर लाल कपूर जिनकी कनॉट प्लेस में दुकान है बीवी के साथ पिक्चर देख रहे हैं। मैं आज अपने बेटे की पिक्चर देख रहा हूँ। अचानक बेटा आता है पहले सीन में और मेरी मम्मी को उठ यहाँ से उठ उठ साला गुंडा। कसम से बोला साला गुंडा जो तो दिल्ली में था चार स्कूल से निकाला गया इसको धक्के खा खा के हर स्कूल में डाला पिक्चरों में गया उधर भी वही कर रहा है। बट एक टाइम था ना शक्ति जब तुम एक हीरो बनने वाले थे ना एक फिल्म पहलाज निलानी की फिल्म थी कौन सी? हाँ जिन्हें एक पिक्चर आई थी मेरी जिसमें हाँ। मैं हीरो था जख्मी इंसान उसमें अच्छा। प्रोड्यूसर जख्मी डिस्ट्रीब्यूटर जख्मी सारे जख्मी। मैम प्रेम रोग में आपने ऋषि कपूर साहब को एक थप्पड़ मारना था कहीं तो सुना है कि उसमें इतने रीटेक हुए थे तो ऋषि कपूर साहब उसके बाद ही गुलाबी हुए कि पहले से थे? शायद उसके बाद हुए। एक और फिल्म थी राही बदल गए उसमें अच्छा उनको मुझे थप्पड़ मारना था अच्छा जी। तब उन्होंने कहा अब मैं बदला लेने वाला हूँ लेकिन वो एक ही टेक हुआ बोले अच्छा। ओहो प्रॉब्लम हो गई। उन्होंने जोर से मुझे एक थप्पड़ मारा अब इक्वल। बड़ी अच्छी बात है कि ऋषि कपूर जी के बारे में हम बात कर रहे हैं। मेरा उनसे बात बात होती रहती है अमेरिका में। अब वापस बॉम्बे आ रहे हैं September 3rd को September 2nd को और आने से पहले ही फोन पे 4 फिल्में साइन कर ली सर। क्या बात? एक अग्निपथ से हे भगवान मुझे एक अग्निपथ दे दे। अरे एक टाइम था जब शक्ति सर तकरीबन सब फिल्मों में होते थे। लोग आलू बोलते थे कि ये शक्ति जी जो हैं ये आलू हैं किसी भी फिल्म में डाल दो ये चल जाएंगे। हाँ। शक्ति सर अगर आप आलू थे तो बाकी लोग क्या थे? मैं ऐसे कुछ एक्टर्स के नाम लूंगा हाँ। आपको वो सब्जी के रूप में बताना है। पद्मिनी जी आप भी साथ में बता सकती हैं। नंबर 1 पे हैं गोविंदा। टमाटर टमाटर लाल हरे पीले कपड़े अच्छा मोस्ट फैशनेबल। क्या बात है। कादर खान साहब सबसे टेस्टी सब्जी कौन सी होती है? वो है गोभी। वाह गोभी आपकी फेवरेट है गोभी। शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रुघ्न सिन्हा साहब आप बताइए हेल्प कीजिए। मैं अदरक अगर किसी सब्जी का नाम देना हो उनको अदरक कड़क है ना कड़क। जितेंद्र जी मूली मूली व्हाइट पैंट व्हाइट शर्ट व्हाइट जूते। बच्चन साहब उनको कोई सब्जी का नाम दे ही नहीं सकते इतनी कोई टेस्टी सब्जी बनी नहीं है। क्या बात। जॉनी लीवर जी धनिया वो धनिया धनिया फ्री में मिलता है सब्जी में। अच्छा पद्मिनी जी जब आपने वो 7 दिन की तो आप भी बहुत छोटी थी लेकिन अनिल कपूर साहब की पहली फिल्म थी तो ये शुरू से झकास थे कि वो फिल्म हिट होने के बाद वो कॉन्फिडेंस आया होने के बाद झकास हुए। पर हमने सुना है कि आपकी डेट्स लेने के लिए उनको प्रोड्यूसर साहब ने पीछे लगा रहा था कि आपकी डेट्स ले लें वो 7 दिन के लिए। मेरी डेटों के लिए उनके घर से खाने आते थे बड़े बड़े। अच्छा जी ओहो पूछिए मत बहुत पटाते थे और फिर मेरी डेट आराम से मिल जाती थी। वाह। खाने के डब्बे उनके घर से अभी बंद नहीं हुए। पहले इनके घर जाते थे अब सोनम और सिद्धांत मेरा बेटा थे बहुत अच्छे दोस्त है तो सोनम के यहाँ जब भी अनिल कपूर के यहाँ बहुत अच्छा खाना बनता है तो कोई इतना टिफिन नहीं आता इतना बड़ा टिफिन आता है जो मैं 6 दिन के लिए फ्रिज में रख देता हूँ। कि चलता नहीं जितना बचा लो उतना अच्छा है ना साईं। हेलो हेलो पत्नी जी। हेलो जी शक्ति जी आओ। ये आओ क्या होता है मतलब? इतने सालों के बाद ये यहाँ पर आए हैं आओ ना करूं तो मैं जाओ करूं। इतने सालों से मतलब क्या शक्ति जी को जानती हैं आप? ला जानती मतलब क्या ये तो वही हिसाब है ये तो मेरे लिए पता क्या है जैसे घोड़े के लिए घास शेर के लिए मांस और चंद्रमुखी के लिए देवदास। देवदास
मेरी इंटर तो कराओ इनके साथ। ये सर हमारे दोस्त है ना चंदू, उनकी मम्मी है यहाँ पे, ढाबा चलाती हैं। कैसे यहाँ पे कैसे है आंटी? आंटी आंटी बेटा किसके साथ बात कर रहे हो? आपको कहा आंटी? आंटी क्या होता है, स्वीट 16 बोलो। खैर शक्ति जी, एक तरफ ना आप चीनी का डब्बा रख दो, दूसरी तरफ चांदनी को बिठा दो, चींटियां सारा कुछ छोड़कर चांदनी को नाना घेरा डाल दें, तो मेरा नाम बदल देना। अच्छा हम खामखा चंदू को बेवकूफ समझते रहे, जब पेड़ सिंघाड़े का है तो अनार कहां से लगते? कपूर शर्मा पेड़ तो स्ट्रॉबेरी का था। अच्छा। माली अच्छा नहीं मिला। माली अगर होता ना शक्ति जैसा, हाय हाय बेटा मेरा चेरी जैसा होना था। बातें करते रहते हो। आपको पता आप पुरानी फिल्मों में ऐसी बातें सुन के ना विलन सरिया मरोड़ देते थे गुस्से में आके। ऐसी बातें कौन बोलेगा उनको? हमने तो सुना है जब आपकी स्वागरा थी तो अंकल घूंघट उठा के असम भाग गए थे, उसके बाद आगे बर्मा निकल गए वो। तो चंदू मैंने क्या प्रधानमंत्री आवास योजना से लिया है? तो बात सोच समझ के किया करो। खैर पद्मिनी जी गुस्सा नहीं करना, वो तो शुक्र है कि मैं जब यंग थी ना तब मुंबई नहीं आई, नहीं तो आपकी फिल्म नहीं थी वो 7 दिन। हाँ। मेन लीड में मैंने होना था। अच्छा कैसे कैसे? वो इसमें ये होती तो आधा दिन ना चलती फिल्म, वो 7 दिन। कप्पू शर्मा जिन किलों को ना तुम खंडर समझ रहे हो ना, उन किलों के लिए ना एक वक्त पे राजा महाराजा हमला किया करते थे। बात करते हो। खैर मुंह मीठा कीजिए। क्यों करवा रही मुंह मीठा? देखो जी जिम्मेदारियां जितनी जल्दी हो जाए ना खत्म उतना अच्छा है। मतलब श्रद्धा भी सेटल्ड है, चंदू भी सेटल्ड है, तो मैं कहती हूँ इस गरीबी को हम अमीरी में क्यों ना बदल ले। आपका दिमाग खराब है? श्रद्धा कपूर का रिश्ता चंदू के साथ करेंगे शक्ति जी? क्यों क्या हुआ चंदू को? उसको नहलाओ धुलाओ वो ठीक ही है। हुआ क्या है चंदू को पता? कितना अच्छा जोड़ी देखो कितनी अच्छी होगी, सबके बंधु ससुर नंदू दमार चंदू। आंटी फंड हम इकट्ठा करते हैं, आप दोनों माँ बेटा अपना इलाज कराओ पहले। कहाँ वो कपूर खानदान की चिराग श्रद्धा कपूर? कहाँ आपका बेटा लंगूर खानदान का फड़फड़ाता हुआ? कपूर शर्मा एक बात बताओ, मेरे बेटे में कमी क्या है? जिस चीज को हाथ लगाता सोना हो जाती है। मैं तो कहती हूँ शक्ति जी बिना सोचे समझे हाँ कर दो। शक्ति जी मैं तो कहता बिना सोचे समझे मुंह तोड़ दो हम संभाल लेंगे। देखो पद्मिनी जी हाथ में चिराग लेकर भी अगर आप ऐसा रिश्ता देखने जाएंगे ना आपको मिलेगा नहीं। लड़के का अपना ढाबा इतना अच्छा खाना बनाता है, आप बताए कोई भी कस्टमर बिना टिप दिए उसको जाता ही नहीं। अच्छा? ऐसे बाजू मरोड़ के ना छाती पे घुटने मारते हैं टिप देते हैं, जाते हैं तो फिर लात मारते हैं, कहते कीप द चेंज। ये करता है इनका बेटा। ये तो इसकी जलसी बोल रही है जी, नहीं तो आप जोड़ी खुद देख लो, एक तरफ क्यूट श्रद्धा और दूसरी तरफ क्यूटी पाई चंदू। शक्ति सर जब इनका बेटा पैदा हुआ ना डॉक्टर ने MBBS डिग्री फाड़ दी थी, वो कहता ये करने के लिए डॉक्टर बना था मैं, तो चला गया वो। तो जी जिन्होंने ताजमहल बनाया था उनके भी तो हाथ कटे ही थे। अच्छा सेम ही चंदू है, और वो तो इतना शरीफ है मैं आपको क्या बताऊं, किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता, बड़ा ही शरीफ लड़का है। गैसे तो मिलने दीजिए। हेलो मैम, हेलो सर, कैसे आप? वो अमीर है तुझे मुंह नहीं लगाएंगे। हाँ तू तो बड़ी टाटा लगी हुई है ना। मैम इनका बेटा एक नंबर का नालायक निकम्मा है। हाँ मेरा बेटा निकम्बा, ये तो इधर श्रद्धा कपूर लगी है ना मोहल्ले में। ओए तेरे जैसी लड़कियां ना टकले अमीर अंकलों को नाइस हेयर स्टाइल करके पटा लेती हैं। आंटी आप कितनी फालतू बातें कर सकती है, ये सबको पता है यहाँ पे। मैम वो क्या है ना अपनी कॉलेज की मैं बेस्ट एक्टर हूँ, तो थिएटर की दुनिया में ना हमारे कॉलेज सर्कल में मुझे जूनियर पद्मिनी कोल्हापुरी कहते हैं। ताली बजाने वाली कोई बात नहीं सर, बीच में ब्रेक नहीं होता तो जो समोसे देने आते हैं ये, she is the founder of that NGO। वो मुझे
वेंडर का कैरेक्टर मिला था इसीलिए. वैसे सर मैंने वो आपका राजा बाबू नंदू वाला कैरेक्टर भी किया था. नंदू सबका बंधु क्या कैरेक्टर किया था मैंने. सुना कैरेक्टर किया था तुमने. भाई मैं आपको बताती हूँ कितना गंदा मुंह लग रहा है. मेरा मेरा बेटा के पीछे पढ़ पढ़ के इसने मेरे बेटे का करैक्टर खराब कर दिया. नहीं नहीं इतने इतने निक्कर डाल कर पाजी मेरे बेटे के आगे ऐसे ऐसे करके चलती है तो फिर बेटे खराब नहीं होते. बिल्कुल. मेरा तो रोने का इतना मन करता मैं रोती नहीं हूँ. आप रोना करो आंटी, रोती हुई और गंदी लगती है. मैं आपके बेटे के पीछे पढ़ूंगी, उसके पीछे कुत्ते ना पड़े. और कल को वो पढ़ भी गया तो बिना बिस्किट लिए मानेगा नहीं. हाँ तेरे जैसी लड़कियां होती हैं जो सुहाग रात वाले दिन दूध के साथ सजावट वाले फूल भी खा जाती हैं. तू ज़रा बकवास ना कर, मैं तुझे कह रही हूँ तुझे टाटा कर रही है. अरे आंटी अपनी जुबान को ना लगाम लगा लीजिए, घोड़े जैसा तो मुंह है आपका. आए मेरे बाप. शक्ति जी की बुढ़ भी समधन को क्या बोल रही है. और तेरी आंखें निकाल कर इन्होंने गोटियां खेलनी शुरू कर दी इधर. अरे आप जैसी बहन हो तो इंसान रक्षाबंधन ना मनाए, समधन क्या बनाएगा. और क्यों नहीं समधन बनाएगा, मेरा चंदू तो तुम्हें पता है यंग ऋषि कपूर लगता है. ये बात अगर रणबीर कपूर ने सुन ली ना उसे आलिया को बोल के आपको धोप देना है. चुप कर, किट्टी पार्टी में पेस्टी से ज्यादा मार खाने वाली लड़की. हाँ हाँ आप जैसी आंटियां तो भंडारे के दो बर्तन धो के चार पेटी खीर लेके चली जाती है. हाँ तो तेरे जैसी लड़की होती हैं जो सस्ते रेटों पर अंकल आंटियों के अफेयर कर कराती हैं. हाँ बच्चे होते जो दादी से कहानियां सुन के बड़ी होती है, ऐसी दादी हुई वो तो मोहल्ले में दादी के किस्से सुन के बड़े होते हैं. तेरे जैसी लड़की होती है जब बंदर का तमाशा देखने के लिए भंडारे के साथ सेट हो जाती है. मदारी के सामने मैं क्यों जाऊँ, बंदर तो खुद ही तमाशा कर रहे हैं यहाँ पे. तेरे जैसी लड़कियाँ आती हैं, बंदर की जुआ निकालने जाती हैं, बोलती हैं हम शिकार पे जा रही हैं. आदि मानव के टाइम की आइटम गर्ल बात कर रहे हैं, कर बात कर बात. ये औरतें होती हैं बुढ़ापे की पेंशन से जुआ खेलती हैं. जुआ खेलती हूँ अपने हस्बैंड की माई का खेलती हूँ, तेरे बाप का खेलती हूँ. मेरा जो छित्तर है ना 4G की स्पीड पे चलता है. हाँ ज्यादा बात करती है आंटी. मेरे से ना दूर रहो, मेरे को ना और भी बहुत इंपॉर्टेंट काम है. ये बकवास यहाँ पे नहीं चलेगा, समझ में आया. तूने मेरे ना मेरे बारे में बोला. आज मैंने तुझे छोड़ दिया. इधर आ जा, इधर आ जा. ये क्या कर रही है, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ. शक्ति सर कुर्बानी फिल्म आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, ये कैसे सर कैसे शुरुआत हुई इस किस्से की. आई बिलीव कि हर काम के टैलेंट के साथ साथ लक का होना भी बहुत जरूरी है और लक है, लक और टैलेंट दोनों साथ साथ चलते हैं. ये मेरे साथ हुआ. अच्छा जी. मेरे पास एक पुरानी गाड़ी थी, स्ट्रगल के दिन चल रहे थे. अच्छा जी. तो वो गाड़ी में मैं लिंकिंग रोड से जा रहा था. अच्छा जी. अपनी फोटोग्राफ्स लेके स्क्रीन के ऑफिस टाउन में देने के लिए ताकि वो छाप दें और मेरा कुछ हो जाए. पीछे से गाड़ी आई, गाड़ी को ठोका. अच्छा. मैंने कहा यार खाने के वांदे इस साले ने मेरी गाड़ी को ठोक दिया. इसकी मैं उसमें से एक आदमी बाहर निकला, 6'2" लंबा, इतना हैंडसम, जीन्स पहनी हुई, टकन शर्ट, ब्रॉड बेल्ट, बूट्स, फिरोज खान. वाह. मैं ऐसे निकला था, मैं उनको देखते ही सर माय नेम इज शक्ति कपूर, आई एम अ फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पूना, आई एम अ डिप्लोमा होल्डर इन एक्टिंग, सर गिव मी अ रोल इन योर फिल्म, आपने इतने लोगों को इंट्रोड्यूस किया सर मुझे भी इंट्रोड्यूस कर. ए यू आर फर्स्ट टाइम, ए यू नो व्हाट यू डन टू माय कार. मैं कहा सर गिव मी अ रोल. गाड़ी में बैठे चले गए, भीड़ जमा हो गई थी उनको. अच्छा. भीड़ में से एक आदमी बोला चल अपना काम कर, वो चले गए. उसको देखने आए थे. मैंने कहा यार मुकद्दर बहुत ख़राब है, गाड़ी भी ठुक गई और अभी टाउन भी नहीं जा सकता. तो रास्ते में के शुक्ला साहब बहुत बड़े राइटर. अच्छा जी. डेजी रानी के हस्बैंड. ओके. तो उनका घर पड़ता था, तो जब भी मुझे भूख ज़्यादा लगती थी या मुझे फ्री की कभी चाहिए होती थी तो मैं उनके घर में घुस जाता था. अच्छा. तो मैंने थका हुआ सुबह का भूखा तो मैं घुस गया.
डेजी जी ने दरवाजा खोला, खुशबू आ रही है, मतलब खाना अच्छा पक रहा है, मुर्गे पक रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ खाना अच्छा खाऊंगा। अंदर गया, मैंने कहा डेजी नमस्ते। बोले आ जा आ जा आ जा, कम कम कम। मैंने गया, बोले बाहर में बैठ जा, हैव अ ड्रिंक। मैं कहा नहीं नहीं, लेट शुक्ला साहब कम। तो मैं बैठ गया। अब के साहब की एंट्री हुई, वाइट पैंट वाइट शर्ट, मुझे देखा, कह तेरी किस्मत बहुत ख़राब है। मैंने कहा सर बहुत ख़राब है, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं हो सकता सर, गाड़ी भी ठुक गई, चल मैं चेंज करके आता, तू बार पर बैठ। मैं कहाँ बैठ जाता हूँ। वो चेंज करके आए, ड्रिंक बना, तो ड्रिंक बनाई, जो हम उनका मुंह यूँ हुआ, मैंने अपनी डबल बनाई। क्या तेरा कुछ नहीं हो सकता। मैं कुछ नहीं हो सकता यार, कुछ नहीं हो सकता। कहते मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ और मैंने तेरा नाम रिकमेंड किया, शाम को सिटिंग से ही आ रहा हूँ, और वो जो है मेरा डायरेक्टर प्रोड्यूसर, वो बोलता है कि मुझे वो लड़का चाहिए, तू भी इंस्टीट्यूट से। मैं कहा इंस्टीट्यूट से हूँ, वो भी लड़का इंस्टीट्यूट का ही है, वो अच्छा। उस लड़के को ढूंढ रहे हैं। मैं कौन सा लड़का? उस लड़के ने दोपहर को फिरोज खान की गाड़ी के साथ टक्कर मारी, वो उसको ढूंढ रहे हैं अपनी फिल्म के लिए। अरे बाप रे, अच्छा। मैंने कहा वो मैं हूँ। सीरियसली फिरोज खान साहब, जब मैं गाड़ी से बाहर निकला, वो मुझे देख के थोड़े डर गए। अच्छा, कि ये साला लड़का कैसे आया है, और कहता कि इंस्टीट्यूट क्या है, मेरी फिल्म में जो कैरेक्टर है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, फिल्म का नाम था कुर्बानी। के शुक्ला ने बोला कि जो लड़का आप ढूंढ रहे हो मेरे सामने बैठा है, उसका नाम शक्ति कपूर है, क्या बात वो है? बिल्ली आंखों वाला गला, वही चाहिए मेरे को। नेक्स्ट डे ऑफिस में मैंने फिल्म साइन की, एंड दैट वॉज द बिगेस्ट फिल्म कुर्बानी, जिससे मेरी जिंदगी बदली। जो पिक्चर सुपर हिट हुई, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट भी किया। पद्मिनी जी, जैसे नॉर्मल शादियां जब होती हैं, सालियां जूते चुराती हैं, एक बच्चे का सवाल था, वो बोल रहे थे कि पद्मिनी जी से पूछना कि आपने जब इनका जूते चुराए थे तो उसमें से चाकू निकला था, कहते तो मैंने बच्चों को बताया था कि वो फिल्मों में विलन है, असल में थोड़ी ना चाकू निकलेंगे। और वो बोल रहे थे कि पूछ देना आप। इन्होंने पैसे दिए थे शक्ति जी ने आपको तभी? नॉर्मल शादियों में ऐसे होता है ना। हाँ। इनकी नॉर्मल शादी थोड़ी हुई, वो मेरी शादी, मेरी शादी नॉर्मल शादी हुई। अरे पर लेकिन बड़े मजेदार किस्से होते हैं पद्मिनी जी, जैसे अपने हिंदुस्तान में तो जितनी भाषाएं हैं, जितने कल्चर हैं, उतनी ही रस्में। मैं यहाँ से जितने भी हमारे दर्शक बैठे हुए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे कोई ऐसी रस्म हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। जी मैडम। हाँ जी। हाय कपिल सर। हेलो। एक्चुअली मैं बनारस की हूँ। अच्छा जी। वहाँ पे एक रस्म ऐसी है ना कि जब एक्चुअली जब दूल्हा आता है ना, हाँ, तो हम उनके स्वागत के लिए खाट पे ऐसा पापड़ बिछा देते और अच्छा। चटर डाल देते और बोलते आइए पधारिए बैठिए। हाँ, तो फिर और जैसे बैठते आवाज आती, मैं बोलती क्या पेट खराब है क्या आपका? दूल्हे को एम्बैरेस करते हैं बेसिकली आप। तो फिर वो पापड़ों का क्या होता है जो नीचे रहते हैं? बराती को खिला देते। खिलाते? तो बनारस में जितनी भी बारातें जाती हैं बाहर से, उन सब से मेरा निवेदन है, अगर आपको पापड़ खिला रहे हैं ये लोग, वो ना खाएं, पता नहीं कहां कहां से होके निकले हैं वो। क्या? तो पका हुआ पापड़ रखते हैं? हाँ, पका हुआ। कच्चा रख दिया करो, पक तो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। नमस्कार उपिल सर। नमस्कार जी, क्या हाल है? मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में कहाँ से? सहरसा जिला है एक। अच्छा जी। वहाँ से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे वहाँ पर एक ऐसी रस्म है जो शायद ही किसी में कहीं पर होती होगी। अच्छा जी। क्या होता है कि जब दूल्हा जो है वो जाता है वहाँ पर, तो वहाँ पर दरवाजे पे दुल्हन के घर पे दुल्हन के बारात ले जाता अच्छा, है। तो फिर दूल्हे को वहाँ पे बिठाते हैं दरवाजे पे, तो उसको सबसे पहले तो सालियों को जूठा पान खिलाया जाता है। और कुछ होता है कि शादी के बाद क्या होता है कि क्यों खिलाते हैं वो पान जूठा वाला? ऐसे ही सर, बस की नहीं साल, फिर उस तो पूरी जिंदगी ताना देंगे आपको, पहले दिन जूठा पान खिलाया था हमने, ऐसा करके कुछ। अच्छा। फिर शादी के बाद जब सारी रस्में वगैरह खत्म हो जाती हैं, तो फिर जब रात को दूल्हा दुल्हन और वो बैठते हैं, तो लड़की वाले की तरफ से क्या होता है कि तब भी नहीं छोड़ते आप उनको अकेले? क्या होता है सर कि रात को जब खाना खाने बैठते हैं, तो लड़की वालों की तरफ से क्या होता है, एक विवाहित महिला होती है जो दूल्हा दुल्हन के साथ सारी रस्मों में शामिल होती हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है कि दूल्हे और दुल्हन के पीछे से बिल्ली की आवाज में निकालनी पड़ती है, खाना मांगना पड़ता है, और वो डिपेंड्स करता है दूल्हा और दुल्हन के ऊपर कि उनको देना है नहीं देना है करके। बट रेयर होता है कि दूल्हा मतलब दूल्हा दुल्हन के पीछे छिपके वो बिल्ली की आवाज निकालते हैं, घूंघट में उड़ के, और जो वो महिला होती है जो तंग करने आई होती है,
खुद की तो शादी हो गई, उम्र भी हो गई है ना? तो अब उनको तंग किया जाता है और उनको बिल्ली की आवाज निकालनी पड़ती है जब जाकर के उनको मिलता है। अच्छा, पर कई बार होता है ना, जैसे जब दूल्हा दुल्हन आ जाते हैं, विदाई हो जाती है, उसके बाद ससुराल में आ जाती है, तो बड़ी ये फूफियां और वो होती है ना मासियां पुरानी, चलो ये खेलेंगे ये खेलेंगे। अच्छा, दूल्हा दुल्हन का कोई इंटरेस्ट नहीं होता गेम खेलने में, उनको ये होता है कि खत्म करें और निकले यहाँ से। आप क्या करते हैं यहाँ पे मुंबई में? सर मैं अभी तो स्ट्रगलर हूँ, पोएट्री फील्ड से हूँ, राइटिंग सिंग गाने वगैरह अच्छा, लिखता हूँ। गाने लिखते हैं? गाने लिखता हूँ, कविताएं लिखता हूँ। एक अगर ज्यादा तो सर आपके ऊपर एक लिखा है मैंने। मेन तो मुद्दा यही था, ये बताइए। बताइए। पहले क्या थे तुम, अब क्या हो गए हो? पहले क्या थे तुम, अब क्या हो गए हो? पहले सिर्फ इंसान थे, अब मिसाले वफा हो गए हो। क्या बात है। पहले क्या थे तुम, अब क्या हो गए हो? पहले सिर्फ इंसान थे, अब मिसाले वफा हो गए हो। शादी बेशक किसी से हुई है, करीना कैटरीना दीपू पे दिल अभी भी तुम्हारा आता है। वाह, ये अच्छा लगा सुन के, ये अच्छा लगा सुन के। करीना कैटरीना दीपू पे दिल अभी भी आता है। हाँ, मियाँ छोड़ो ये आशिकी, किसी के मियाँ हो गए हो। अर्चना हंसी उड़ गई। हाँ नहीं, ये तुम्हें मेरे ससुराल वालों ने तो नहीं भेजा। ऐसा ही लग रहा है। तो सीधी सीधी लानत है कि छोड़ो तुम क्या कर रहे हो। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, तब मैं देखूंगा ये शेर पढ़ते हो अपने के लिए कि नहीं। आप बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो कपिल जी, क्या हाल है जी? मुझे बहुत डर लग रहा। कोई बात नहीं, डरो मत। शक्ति सर से मैं रश्म के बारे में बोलना चाह रही हूँ। एक्चुअली हम लोग बिहार के ये झा टाइटल से हैं। झा है मैथिली झा। जी जी। मतलब मैथिली समाज के हैं हम लोग। अच्छा, तो हमारे यहाँ क्या होती है ना, शादी जो होती है ना, हाँ जी, तो बारात आते बारात चले जाते हैं, और लड़का रह जाते हैं लड़की के घर में। बारात आते ही चली जाती है? हाँ, वो खाना वाना खा के चले जाते हैं। मेन तो लड़की को शादी करनी रहती है ना, तो लड़के रहते हैं वहाँ। साथ में नहीं जाते दूल्हा जब? नहीं 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 नहीं, खाना खाने आते हैं लालची कहीं। हाँ लालची। लड़का शादी करके वो लड़की के यहाँ रह जाता है। अच्छा। वो 4 डे तक हमारे यहाँ बीत होती है ना, लड़का लड़की दोनों नहाएंगे नहीं सर, एक ही कपड़ा पहन के वो लोग रहते हैं, चेंज भी नहीं करना है, और जमीन फर्श पे सोते हैं। और 4 डे के बाद फिर हमारी सेकंड मैरिज होती है, जिसको बोलते हैं चतुर्थी की शादी। तो जो पहले 4 दिन है उसमें क्या पेशेंस टेस्ट करते हो आप? मतलब बड़ी कमाल की रस्म है। तो 4 दिन वो नहाते भी नहीं है? हाँ नहीं सर, उसके बाद 4 डे के बाद जो 5th डे होती है ना, उस दिन फिर अब शादी होती है। उस दिन फिर वो ससुराल वाले के घर से जो कपड़ा आते हैं वो पहनते हैं। अच्छा। फिर वो सेकंड पार्टी होती है। अच्छा। फिर लड़की लड़का फिर विदा होते हैं। फिर अच्छा। वो जो लड़की जो ससुराल जाती है वहाँ पे भी सेम डे 2 दिन जमीन फर्श पे सुलाते हैं, उसके बाद फिर सर रिसेप्शन। मतलब दूल्हे की कमर तोड़ देते नीचे सुला सुला के। तो 6 दिन दूल्हा दुल्हन नहाए ना, तो स्वागत मनाने का तो दिल ही ना करे। सोचो आप, दूल्हे ने घूंघट उठाया, दूल्हा घूंघटा दुल्हन से पैसे करे, हटिए ना। तो आपकी शादी में भी ऐसा ही हुआ था? तो 7वें दिन शुरुआत कहाँ से हुई थी? नान होते हैं ना फर्श पे, बेड नहीं मिलता हमें। बेड भी नहीं मिलता ना? बेड नहीं मिलता है। बेड से तो कोई मतलब भी नहीं वैसे सर। कैसे नहीं? नहीं तो 4 दिन जब नहीं नहाए, उसके बाद 2 दिन वापस ससुराल आके भी नहीं नहाए। हाँ। तो 7वें दिन पहला काम क्या किया? पहले नहाए सर। 7वें दिन वो फिर रिसेप्शन की तैयारी हो जाती है ना ससुराल में। स्वागरात कब होती? मैं सीधा डायरेक्ट पूछता हूँ। मतलब वो आई मीन बड़ी ये वैसे टॉर्चर करने वाली रस्म है ये, है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सो मच। अर्चना जी, आज जो मेहमान यहाँ पे आने वाले हैं, हाँ। ये फिल्म फैमिली ऑफ ठाकुरगंज से बिलोंग करते हैं। ओ।
और मजे की बात यह है कि ये सबके सब बड़े मंजे हुए आर्टिस्ट हैं और मैं इन सबका बड़ा फैन हूं. सो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा, प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वर्सेटाइल एक्टर्स मिस्टर सौरभ शुक्ला, जिमी शेरगिल, पवन मल्होत्रा एंड द वेरी ब्यूटीफुल माही गिल. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. अर्चना, वैसे जब सब चल के आ रहे थे लग रहा था ना बड़ा हिट प्रोजेक्ट चलता हुआ आ रहा है. खाली अच्छी स्टोरी ढूंढो और डाल दो सबको, फिल्म सुपरहिट है. एक बार जोरदार तालियां हो जाने चाहिए. आइए आप प्लीज यहाँ पे विराजमान हो जाइए. आइए सर, बैठिए बैठिए, गाना गाना है आप लोगों ने. आप बैठो पवन सर, आप बैठिए. जिमी सर तो हिरनो मिलती रहती हैं आप, थोड़ा नहीं होता है अच्छा लगता है, बैलेंस बना रहना चाहिए. अच्छा, फिल्म के ट्रेलर में हमने देखा सब के सब भारी भरकम डायलॉग बोल रहे हैं सर. नॉर्मली हम लोग फिल्म में ये पूछते हैं ना कि विलेन का रोल कौन कर रहा है, इसमें आप सारे बदमाश लग रहे हैं. मैं ये पूछने जाता हूँ फिल्म में शरीफ कौन है सर? हम सब शरीफ हैं. शरीफ बदमाश पाजी, क्या आप तो मतलब ये फिल्म में विलन बने ना पिछली दो तीन फिल्मों में, तनु वेज मनु में जो जो भी है, हीरोइन अगर स्क्रिप्ट को छोड़ के अपने दिमाग से काम ले ना तो वो विलन के साथ ही भागे एक्चुअली. क्या बात है यार, लड़की फिर भी नहीं मिलती है पिक्चरों में. आपकी हिस्ट्री रही ना पाजी वैसे फिल्मों में, या तो आपको मिलती नहीं या मिलती है भाग जाती है. तो भाभी तो आप पे शक नहीं करती होंगी ना कि जिसको फिल्म में नहीं मिलती बाहर कहाँ मिलती होगी. पर पाजी वैसे फिल्म में आपका एक डायलॉग है, हम सिर्फ खोते नहीं, खोद के निकाल के फिर गाड़ देते हैं. ट्रिपल मेहनत कर रहे हैं आप. हाँ सर, बड़ी खोद के. सौरभ सर, मेरा बड़ा सौभाग्य है, मतलब जिमी पाजी से तो मिलते रहता हूँ, पवन सर से पिछली बार मुलाकात हुई थी, आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, माही से पहली बार मिल रहा हूँ. सर 21 साल हो गए. बुलाते नहीं सर, हम जब आपको बुलाने की कोशिश करते हैं हमारा अपना शो बंद हो जाता है. थोड़ा पर सर बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के. अभी मैं कल ही पढ़ रहा था कहीं, किसी ने ट्विटर पे डाला हुआ था 21 साल हो गए सत्या को. हाँ यार कमाल की बात है, मतलब सर आप तब भी ऐसे ही दिखते थे, आज भी मतलब अभी पता नहीं ये कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है. अच्छा जिमी पाजी, जब दो लोग साथ में काम करते हैं तो दिल मिल जाते हैं आपस में एक्टर्स के, आपका और माही का तो गिल भी मिल गया है. I mean, वो गिल है, मैं शेर ये गिल है, आप शेर गिल हैं. पाजी वैसे मुबारक हो, शादी के बाद भी शेर है, नहीं तो शादी के बाद आदमी का शेर भाग जाता है. शुक्र कीजिए मैं गिल नहीं बन गया सिर्फ है शादी के बाद. सर हो सकता है कारकुस दे गिल ही हो जाता है, बस शेर बाहर रख के अंदर. पाजी आप बहुत सारी फिल्मों में मियां बीवी का कैरेक्टर किया आपने, इस फिल्म में क्या किरदार है आप दोनों का? माही क्या आपका रिलेशन क्या है फिल्म में? मियां बीवी. मियां बीवी हैं दोबारा. अच्छा ये ऐसे मियां बीवी बनते हैं साथ में एक फ्रेम में कम ही दिखते हैं, पति अलग गोलियां चला रहा है, बीवी अलग गोलियां चला रही है. सौरभ सर और जिमी सर में काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, इन दोनों ने सारे सपने एक साथ काफी पूरे हुए हैं. पाजी मैं आपको गिनवाता हूँ क्या क्या. एक तो इन दोनों का जन्म गोरखपुर में हुआ है, मैं राइट पाजी? करेक्ट. और बचपन में ही दोनों दिल्ली आ गए, और फैमिली ऑफ ठाकुरगंज जो है दोनों की ही फिफ्थ फिल्म है जो लखनऊ में शूट हुई. शायद लखनऊ में ज्यादा फिल्में शूट हुई, ज्यादा हुई हैं. मेरी भी 8 हो गई हैं. 8 हो गई हैं आपकी जी. पर बड़ी बात है कि काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं, और सबसे बड़ा सपना आज ये था कि एक साथ कपिल शर्मा शो में आएंगे. अच्छा मैं सर सॉरी, मैं बस ये एक ही लाइन है जो अपने शो को प्रमोट के लिए करता हूँ, बाकी तो सारी. नहीं पर कपिल शर्मा शो में आना अपने लिए एक बहुत अच्छी चीज है एज एन एक्टर. ये लाइन रिपीट की जाए. माही, देवडी से पहले आपने काफी पंजाबी फिल्में भी की हैं, मैंने देखी हैं, बहुत ही कमाल का काम करती हैं आप. देवडी आपको फिर कैसे मिली फिल्म? ये बड़ी आपकी पहचान एक्चुअली इस फिल्म से बनी बॉलीवुड में. अच्छा मैं कुछ सीरियस सवाल पूछता हूँ ना तो लोगों को शक होता है ना कि मैं कुछ और भी बात करूंगा. मैं जेन्युइनली पूछ रहा हूँ. आई लाइक यू वेरी मच. थैंक यू सर. आई लाइक यू वेरी मच. मैं जब बॉम्बे आई थी तो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स बन गए, तो मुझे लगता था कि शायद मुझे कोई देख लेगा, पेट्रोल पंप पे देख लेगा, मुझे साइन कर लेगा. अच्छा. या किसी डिस्को में देख के मुझे साइन कर लेगा. तो पूरा एक साल मैं डिस्को जाती रही और अच्छा. पार्टीज करती रही, कहीं ना कहीं मुझे कोई देख लेगा. लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ. एक बच्चे की बर्थडे पार्टी पर अनुराग कश्यप ने मुझे देखा, वहाँ मैं 5-6 घंटे कंटिन्यूसली डांस कर रही थी. इतना तो किसी को पेमेंट दो वो नहीं नाचता, मुफ्त में नाचती थी. अच्छा बहुत बार ऐसा होता है जैसे माही ने बताया ना कि वो नई नई बॉम्बे आई तो चाहती थी कि लोग कोई देख लें. मैंने भी ना फिल्मों में जूहू बीच बड़ा सुना था. हाँ. तुम लोग आए तो मीरा रोड में रहते थे, तो मैंने कहा जूहू बीच चलते हैं, कोई ना कोई देख लेगा. हाँ. तो देखा ही नहीं किसी ने. तो एक दो लड़कियां ने देखा मेरी तरफ ना जूहू बीच पे,
वो भी थोड़ी देर बाद पता चला वो भी लड़कियां नहीं है। वो भी खड़े होते ना वहां पे। वैसे आपकी मम्मी सुनना चाहती थी आप सिंगर बने ना? हाँ वो चाहती थी, तो उन्होंने एक टीचर भी मेरे घर में बुलाए थे और मैं म्यूजिक सिखाना शुरू किया, तो अच्छा। मेरी आवाज इतनी गंदी थी कि मेरे भाई मेरा मजाक उड़ाते थे, और एक दिन सारे गामा पा तो हो गया, उसके बाद वो गाना शुरू सिखाना शुरू किया जिंदगी एक सफर है सुहाना, अच्छा। तो मैं गा रही हूँ और मैंने ऐसे ऊपर देखा और हंस रहे हैं, अच्छा। तो मैंने फिर छोड़ दिया। अरे लेकिन सुनो ना इतनी, हाँ एक बार हमें भी सर क्या बात कर रहे हैं। सौरभ सर आपके फैमिली में थोड़ा म्यूजिक का माहौल ही था? हाँ। थोड़ा नहीं था सर, आई एम फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली, आई मीन म्यूजिशियंस हैं मेरे पेरेंट्स जो थे, वाह। एंड माय मदर हैपेंड टू बी द फर्स्ट लेडी तबला प्लेयर एक्चुअली। अच्छा क्या बात है। तो सर फिर तो सुर तो फिर तो बताइए गाना गाऊं कि तबला बजाऊं? सर जो आपका मन करे। गाना गाना गाना। अच्छा मैं गा देता हूं, लेकिन मैं सिंगर हूं नहीं हां प्लीज। सो कोई बात नहीं, ये भी कौन सा इंडियन आइडल है सर? और ये भी बात सही है। दिस इज अ सॉन्ग व्हिच आई रोट फॉर अ प्ले, इट्स अ लव स्टोरी ऑफ अ फैट मैन। ओके सो अ फैट मैन इज टॉकिंग टू हिज बिलोवेड। ओके सो आई विल स्टार्ट दिस थिंग। गोरे गोरे गाल तेरे मुझे हैं यूं तड़पाए, गोरे गोरे गाल तेरे मुझे हैं यूं तड़पाए, फड़क फड़क के हाथ ये मेरे इन्हें थामना चाहे, देम देम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना, देम देम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना, शक्ल कभी देखी है तूने ओ मोटेली चढ़ बोल, एक हाथ धर दूं तेरे तो हो जाएगा गीदड़, देम देम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना, देम देम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना, दिया नहीं क्या मैंने तुझको ओ दिलबर जानी बोल, दिया नहीं क्या मैंने तुझको ओ दिलबर जानी, फिर भी देख तूने मेरी कदर नहीं पहचानी, देम देम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना, देम देम ताना ना ना दिर दिर दूम ताना ना, and then I got married. ये लग रहा था जैसे ये लड़ाई है, उसको आपने कंपोज कर दिया। जी लव स्टोरी हमेशा मेरी जिंदगी में लड़ाई ही रही है। पवन सर। हाँ जी पाजी, मैंने ना अभी जो 1984 फिल्म आई थी आपकी दिलजीत के साथ जी, तो पंजाबी फिल्म थी लेकिन इतनी बड़ी हिट हुई मुंबई में, काफी टाइम तक लगी रही yeah. वो आपका जब करेक्टर देखा पाजी पुलिस वाले का, कसम से पाजी आई लव यू पाजी। थैंक यू सो मच भाई। आपका एक डायलॉग है फिल्म में कि जिंदगी में रंगबाजी बनी रहनी चाहिए, मतलब थोड़ा कूल थोड़ा एंजॉय एनवायरनमेंट, हंसी मजाक चलता रहना चाहिए। रियल लाइफ में आप कैसी हैं? मैं बहुत क्वाइट और शांत सी इंसान हूँ। ठंडे सब आपकी हैं, गुस्सा तो नहीं करती? बहुत कम, बहुत कम, लेकिन जब आता तो बहुत खतरनाक आता है। अच्छा लेकिन वो फिर मैं जो फ्लर्ट सोच रहा था रहने दूं आपके साथ है। पूछ लेना चाहिए। लेकिन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, फिर बिल्कुल मैं भूल जाती हूँ। कई लोगों को लगता है ये शायद यहाँ से कुछ गड़बड़ है, बिकॉज अभी इतना डांट रही थी और अभी इतना प्यार कर रही है। अच्छा पर वैसे डांटने के बाद प्यार भी करती हैं आप? हाँ नहीं अच्छी बात, अच्छी बात, गुस्सा करना भी नहीं चाहिए लाइफ में, बड़े काम खराब होते हैं। सही है। एक ना और मैंने बड़ा मजेदार किस्सा सुना है सर आपके बारे में, कि आपने जब बैंडिट क्वीन में काम किया हाँ। तो आप डाकू मान सिंह से मिले भी थे, वो क्या है सर बताइए जरा हमारे दर्शकों को, थोड़ा मजा आएगा सुन के। कैसे मिले थे आपको? मतलब वो किस्सा ऐसा अभी डाकू मान सिंह हैं थोड़ी तो हैं अभी मुझे नहीं मालूम अगर मुझे तो वो हैं तो मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। आदमी क्या बोले, आई मीन तो डाकू मानसिंह के बारे में सभी जानते होंगे, लेजेंडरी डाकू थे मतलब। यस यस तो हम लोग बैंडेड क्वीन कर रहे थे और हम लोग चंबल के इलाके में धौलपुर के पास शूटिंग कर रहे थे, और एक आदमी जो था बहुत नॉर्मल सा आदमी, गांव वाला आदमी जो था, वो ऐसे ही घूम रहा सेट पे। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये कौन है ऐसे कैसे घूम रहा है, फिर देखा वो शेखर के कंधे पे ऐसे, शेखर कपूर के कंधे पे ऐसे हाथ रख के अच्छा। थोड़ा घूमा, मैंने कहा अच्छा प्रधान वरदान होगा कहीं का हाँ। फिर थोड़ी देर में देखा तो अशोक मेहता के साथ वो क्रेन पे चढ़ गया। अच्छा फिर शाम हुई, हम लोग शहर से कुछ 20 किलोमीटर दूर रहते थे, तो
सारे एक्टर्स को एक कार मिली हुई थी. अच्छा जी. और हम 5-6 एक्टर्स उसी में बैठ के, सीमा भी उसी में, हम लोग जाते थे और हम लोग आपस में बातें बातें करते रहते थे सारा दिन. क्या हुआ, हुआ क्या उस दिन कि दरवाजा खुला, वो आदमी अचानक कार में आके बैठ गया. अच्छा. और मुझे बड़ी चढ़न हुई, मैंने कहा यार ये कौन है यार, मतलब हम लोग सारा दिन एक्टिंग वैक्टिंग करके, या गाँव वाला कैसे आके घुस के बैठ गया. खैर एनीवे, हम लोग रेस्ट हाउस पहुंचे, फिर जो भी शाम का प्रोग्राम होता जो आपको मालूम ही है. हाँ जी. है ना, तो वो शाम का प्रोग्राम शुरू हुआ. तो देखा कि वहाँ आ नहीं गए सर, वो आके वहाँ बिस्तर था उसी पे लेट गए वो, और अपने हाँ चल रहा देख रहे हैं. तो मैं और मनोज वाजपेयी ऐसे बैठे हुए थे, तो मैंने कहा कौन है यार, निकालो इसको यहाँ से बाहर, कौन है ये आदमी, क्यों गुस्सा चला जा रहा है यार, सुबह से देख रहा हूँ इसको मैं. थोड़ी आवाज़ मेरी ऊपर थी, ज़्यादा दूर नहीं थे वो, और मनोज का चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया और मेरी तरफ ऐसे देख रहा. कहता अरे आप मिले नहीं इनसे, मानसिंह जी ये सौरभ शुक्ला है. एंड द एंड वॉज, मानसिंह ने कहा नमस्कार नमस्कार कह के उन्होंने कार्ड निकाला और उन्होंने मेरे एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड दिया, उसमें लिखा हुआ था भूतपूर्व दस्यु सम्राट मानसिंह. ये भूतपूर्व ने बचा लिया, नहीं तो आज हम साथ में नहीं बैठे. अच्छा पवन सर और सौरभ सर, इन्होंने जितने भी मजेदार किरदार किए हैं तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये कितने बाकमाल एक्टर हैं. सर ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर आपको कोई रोमांटिक फिल्म में ऐसा वाला, जैसे वो शाहरुख खान जिमी पाजी हीरोइन के साथ मौका मिलता गाने वाने गाने का, दिल तो करता ही होगा अंदर से, है ना, कि ऐसा कोई भी रोल ऑफर होना चाहिए कि नहीं सर? मैं सच्चाई जल्दी स्वीकार कर लेता हूँ तो मैं दिल को जरा मार लेता हूँ. दिल में आता है वैसे? आता है, पीछे चला जाता है. पवन सर आपके क्या विचार हैं इस बारे में? नहीं नहीं, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूँ, आएगा तो जरूर करूंगा. इन सफेद बालों में भी तो रोमांस की कहानियां लिखी जा सकती है. कोई रोल है तो बताओ यार प्लीज, कोई है बताओ बताओ बताओ. भाई देखिए, मैं बाकियों की तो गारंटी नहीं ले सकता, मैं हमारे शो की गारंटी ले सकता हूँ, हमारे हीरोइन तो है ही हमारे साथ. तो मैं इनको ही डायलॉग बोल देता हूं सर, मजा आ जाएगा. सौरभ सर देखिए इतने कमाल के एक्टर हैं. पवन सर गाना प्ले किया जाएगा. माई के साथ रोमांस के लिए तो एक्टिंग भी नहीं चाहिए. क्या बात है सर, आई लव यू. अब ये बताओ इसमें हीरोइन कौन था? एक बार जोरदार तालियां जिमी शेरगिल, पवन मल्होत्रा, सौरभ शुक्ला एंड माही गिल के लिए. थैंक यू. आइए सर प्लीज, जिमी भाई, पवन सर, माही, सौरभ सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू, बहुत मजा आया आपसे मिलके. आप सब लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए. गुड नाइट, शब खैर. थैंक यू, थैंक यू सौरभ सर, बहुत अच्छा लगा सर. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Click the show links and enjoy watching the videos.